खास तौर से मेरे भिवंडी के बकरेबाजों के लिए कि घटाओं ने तुम्हारे जुल्फ का फंदा नहीं देखा, नज़र वालों ने अब तक ऐसा नज़ारा नहीं देखा, और इन्हीं आँखों से दुनिया में हमने क्या क्या नहीं देखा। हज़ारों बकरेबाज मेंढेबाज देखे मगर भिवंडी वालों के जैसा नहीं देखा। हाय, वेलकम बैक टू एफएसए एंटरटेनमेंट। लब्बेक गोट फार्म पे है भिवंडी सिटी में मुश्ताक हांडी के साथ। अस्सलाम वालेकुम मुश्ताक भाई। वालेकुम अस्सलाम मुश्ताक भाई। लब्बेक गोट फार्म भिवंडी में एग्जैक्टली कहाँ पर है? निज़ामपुर चांद तारा मस्जिद। हाँ, प्राइम लोकेशन है भाई। वैल्यू फॉर कस्टमर्स क्यों? सस्ते है बहुत। कस्टमर्स को देने के बाद में ऐसा नहीं है कि हमारा काम पूरा हो गया तो कस्टमर को, उनको मंथली हम फीडबैक भी पूछते हैं कि जहाँ रखा हुआ है क्या प्रोग्रेस है, क्या हाल चाल है, मतलब हम टच में रहते हैं कस्टमर। मैं इतनी गारंटी दे सकता हूँ, मेरे से कोई कस्टमर जो लेता है, जो लोग मुझे जानते हैं, कभी मेरे से नाराज़ नहीं हुए कि एक बार में मुश्ताक भाई ने हमारे साथ कोई फ्रॉड किए है या वेट गलत बता के दिए है या हमारे साथ कोई गलत किए कि टोकन लेके उसके ऊपर बहुत अच्छी फ्रेमिंग आ रही है। या टेल मी। ना ना, ओके ओके, बोलिए जी। फादर क्या कह रहे थे आप फीडबैक लेते हो बेचने के बाद भी, कि कहाँ बेचने के बाद भी होता है? हमारे लिए मेन कस्टमर इम्पोर्टेंट है, उनका सेटिस्फेक्शन, मतलब अपना चीज कामयाब हो गई। जैसे कोई खरीदा तो मैं पूछूं उनसे? बिल्कुल पूछ सकते हैं, बिल्कुल पूछ सकते हैं, बिल्कुल पूछ सकते हैं। ठीक है, डेफिनेटली पूछूंगा, क्योंकि आपने दो नाम लिए थे ना। हाँ, मैंने उनको बेचा। हाँ, हमारे उजैफा भाई है, काफी लोग है, अब किसी को भी पूछ सकते हैं। या बिल्कुल अभी दे दूंगा, बात कराओ स्पीकर पे। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। उनके तो बकरे आप पाल रहे हो, मेंढे, तो जाहिर सी बात है यू विल बी इन टच, बट मेंढे नहीं होते तो आर यू इन टच विद दोस्त कस्टमर? या एक दोस्ती बन जाती है, एक रिलेशन बन जाता है। अभी वो बंदा अपने ऑस्ट्रेलिया में है, उनकी स्टडीज के लिए गया है। ठीक है, वैसे मेंढे अच्छे हैं आपके पास? हाँ जी। लेट्स स्टार्ट इस वीडियो में। चार विलायती मेंढे है, चार विलायती मेंढे बिग साइज। लेट्स स्टार्ट विद दिस वन। बड़ी मक्खी भिनभिना रही है इसके ऊपर। सॉरी, मक्खियाँ भिनभिना रही है ये फात भाई? सुबह में इसके बाल कटे ना। ओके, तो क्या हो रहा है सुबह में? क्या चीज? आई डोंट अंडरस्टैंड। सुबह बाल कटे हैं, मतलब इसके सुबह में ही ट्रिमिंग हुई है बाल की। okay. इसको आके दो तीन दिन हुए ना। ओके, तो इसके बाल वगैरह ट्रिम किए। एक्चुअल में फात भाई, अपने जितने भी मेंढे आज आपने शूट किए हो, एक भी मेंढा अपने यहाँ पे प्रॉपरली अभी तक सेट नहीं हुआ है। किसी को 10 दिन हुए, किसी को 12 दिन हुए, किसी को। इंशाल्लाह आप नेक्स्ट टाइम आओगे, जब भी 2-3 महीने के गैप पे या जब भी आओगे, आपको इंशाल्लाह इसकी रंगत ही अलग दिखेंगी। बिक जाएगी तब तक इंशाल्लाह। बताइए क्या डिटेल्स है? हाँ फात भाई, ये दो दांत है। हाँ, और 65 केजी। दो दांत कंफर्म है, एक बार देख लो आप। हाँ, लास्ट टाइम ऐसा नहीं हुआ। उमर दो दांत है ना फात भाई? तीसरा चौथा थोड़ा, चार दांत है। हाँ, थोड़ा बड़ा ही लग रहा है फात भाई। इतने हैं, सबका याद रखना बहुत पॉसिबल नहीं हो पाता है। ठीक है, चार दांत पे है मेंढा। हाँ फात, मेरे ख्याल से कितना, 65 किलो होगा? 65 केजी आएगा इंशाल्लाह, इजीली होगा 60-65। कितना मांग रहे हैं हम इसका? फात भाई इसका 35 कोट का। ये कुर्बानी के लिए क्या वो मैदानी जंग जाएगा? दोनों काम करेगा। ओके, ट्रेनिंग के ऊपर रहता है फात भाई, मेहनत के ऊपर रहता है। ओके, अभी तक फात भाई की थकान पूरी नहीं हुई है। वैसे अभी 15-15 दिन में आप माल लाते हो, बेच देते हो, तो कोई वैक्सीनेशन नहीं करते हो, डीवॉर्मिंग नहीं करते? डीवॉर्मिंग करता हूँ फात भाई, डीवॉर्मिंग। अभी आज इनके बाल कटे है, इनकी इंशाल्लाह परसों डीवॉर्मिंग हो जाएगी। और 15 दिन में मैं बेचने के उसमें फेवर में नहीं रहता हूँ, मैं इंशाल्लाह उनको 1 महीना रख के ही बेचता हूँ। अभी जैसे मैंने वो मेंढा उजैफा भाई को दिया है, तो उन्होंने आते के साथ उसको वैसे ही ले लिया, लेकिन बोला कि 1 से 1.5 महीना आप सेट करना, उसके बाद जीडी पे भेज देना। हाँ ठीक है, चलिए। ये एक है, इसका मांग रहे हैं 30,000। 35,000 फात भाई, एक्चुअल में ना ट्रांसपोर्टेशन बहुत महंगा है। कहाँ का? पठानकोट का। कितना? एक्चुअल में फात भाई, ये लिए जाते हिमाचल से, फिर ये वाया रिक्शा पठानकोट स्टेशन, अमृतसर स्टेशन आते, 4,500-5,000 रुपये तो सिर्फ बिल्टी का लग जाता है। उसमें अगर बीच में कुछ थोड़ा बहुत देना पड़ा तो वो अलग। फिर कल्याण स्टेशन उतरते हैं तो वहाँ पे लाने का वहाँ पे उतारने के चार्जेस काफ़ी बहुत ज़्यादा एक्सपेंसेस हो जाते हैं। कल्याण से भिवंडी पहुँचाने का कितना होता होगा? 1,000-1,500 रुपये? 1,000 रुपये लेते हैं, 1,000-1,500। वो भी अपना रेगुलर, और कोई ऐसा रहेगा तो 1,500 रुपये भी लगता है। ठीक है, एक मेंढा हो गया। दूसरा जो है बहुत ही खूबसूरत है, ये विलायती मेंढा। लेट्स कम टू दिस वन। मुश्ताक भाई, इसके भी आप दांत देख लीजिए, कितने दांतों पर है। ये दो दांत कन्फर्म है, ये मेरा देखा हुआ है। इफ यू सी, दो दांत कंफर्म। दो दांत वैसे वीडियो आज बन रही है, आज कौन सी तारीख है? आज 15 अक्टूबर को बन रही है। संडे दो दांत किया। वैसे दो से चार दांत करने में कितना समय लगाते हैं?
ये 4 से 6 महीने का ड्यूरेशन रहता है, 4 से 6 महीने का ड्यूरेशन रहता है बीच में, कोई कोई और भी टाइम लेता है, कोई बहुत जल्दी भी कर देता है। सबकी जेनेटिक्स के ऊपर। कितना वजन होगा इसका? बात भाई ये 80 kg काटा किया हुआ है सुबह में, कंफर्म 80 kg। इसका कितना मांग रहे हम? इसका प्राइस फोन पे बताएंगे फात भाई, फोन पे बताएंगे। यहाँ से प्रॉम्प्ट आ रहा है इनका है क्या? नहीं नहीं, नहीं। सब साथ में है, डिस्कशन करके ही काम करते हैं। खोलोगे इरा चला फिरा के बताएंगे? मेंढा खोलोगे? हेलो मुश्ताक भाई, मेंढा खोलो। जी जी, थोड़ा चलाओ फिराओ खेलाओ। आ जा बेटा, वहाँ पर देख, थोड़ा मेंढे के करीब जाने मत दो, लड़ेंगे फिर, वो बता नहीं सकता हूँ मैं। मुश्ताक भाई खेलो थोड़ा, यू वांट टू गिव मी द माइक? नहीं फात भाई, मैं बहुत ज़्यादा थक गया हूँ, खेल नहीं पाऊँगा अभी इनके साथ। लेकिन चला के तो होता, चलने फिरने में दिक्कत है। वहाँ से छोड़ दो, आ जाएगा खुद दौड़ के वहाँ से फिर लड़ेगा फिर? नहीं 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 लड़ेगा। तो एक ये है, ठीक है। दूसरा कितना मांग रहे हो इसका? फात भाई इसका प्राइस फ़ोन पे बताऊंगा, बट एक अप्रॉक्सीमेट तो बताओ। 40 के अंदर है? नहीं अबव 40 है। अबव 40,000? 50 के अंदर है? आसपास है, 40-50 के बीच में? नहीं बीच में नहीं, 50 के ऊपर है, आसपास है। ठीक है, ऐसा है फात भाई, मेरा मंशा ऐसा है, किसी को पसंद रहेगा तो लेना है, बाकी ऐसा कोई ज़बरदस्ती नहीं है। मैं इनको पालूंगा, मेरे को बहुत शौक है इनका। ठीक है चलिए, ये दे दीजिए इनको, हम लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। या ठीक है, ये वाला, ये आपने कहा बहुत अच्छा है। हाँ फात भाई, इसको आके 2 दिन भी नहीं हुआ है, आज का इसका 3रा दिन है। और ये 2 दांत पे है राइट? 4 दांत पे। ये 4 दांत पे? ये 4 दांत पे, फ्रेश 4 दांत। फ्रेश 4 दांत किया है? नो आई बिलीव यू, दैट्स ओके। 4 दांत किया हुआ है? हाँ फात भाई, ये बच्चे की लेंथ एक्स्ट्राऑर्डिनरी है, इसकी लेंथ एक्स्ट्राऑर्डिनरी है, हाइट बहुत अच्छी है इसकी। भाई ये कितने किलो पे होगा 4 दांत पे? फात भाई ये 75 kg आएगा। कुछ कुछ मेंढे जो है वो 2 दांत पे इतने जा रहे हैं, ये 4 दांत पे इतना जा रहा है कि वैसे आप समझे नहीं, ये कुछ अलग पर्पस के लिए वहाँ पे तैयार हो रहा था। अच्छा अच्छा, तो वो लोग इनका वेट नहीं बढ़ाते, अभी मैंने उसका वेट बढ़ा, आपको चला के दिखाया है। वैसे पोटेंशियल बहुत है, लेकिन ये और अभी ये वो चीज़ पे से हटा दिया हो तो 2 महीने में मैं इसकी रंगत बदली कर दूंगा इंशाल्लाह, 100 kg+। लेकिन है वैसी पर्पस के लिए, वही पर्पस के लिए। कितना मांग रहे हो इसका? इसका भी प्राइस फाइव बाय फोन ये भी 50 के आसपास ही रहेगा ना? ऊपर है, थोड़ा सा ऊपर, थोड़ा सा ऊपर। ठीक है, क्योंकि ये उस पर्पस के लिए, जाहिर सी बात है कि पैसे थोड़े ज़्यादा रहेंगे। ठीक है, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। ये वाला, ये फात भाई रिसेंटली अभी कल आपके आने से पहले ये सोल्ड आउट हो गया है। अच्छा बिक गया? हाँ, ये वही आप ऑस्ट्रेलिया वाले? ऑस्ट्रेलिया वाले उज़ैफा भाई को दिए, तो उनको बेचना है आगे? नहीं नहीं, वो बेचेंगे नहीं, निकाले उनको भी नेक्स्ट ईयर के लिए रखना है। बस खाली दिखाना है कि ये आया था तो एकदम ऐसा दुबला पतला था, 8 दिन में इसका रिजल्ट। और फात भाई इतनी कम उम्र में इसके सिंग देखिए आप, ये तो इसके नए सिंग निकलते हैं तो जख्म कॉमन है। मतलब में बेचा आपने ऑस्ट्रेलिया वाले भाई को, हुज़ैफा भाई? हाँ, ये हुज़ैफा भाई को दिया है 50 में, 50,000 में। हाँ वो तो ऑस्ट्रेलिया वाले खरीद, नहीं ऑस्ट्रेलिया एक्चुअल में हैदराबाद के है, उसके लिए नहीं, उसकी क्वालिटी के लिए लिया है उन्होंने। ये सुरंगिनी ब्रीड है। आई एम सॉरी, सुरंगिनी ब्रीड टाइप ऑफ विलायती? हाँ, ये कहाँ के रहते हैं? ये हिमाचल में गांव है, मतलब आगे सुरंगिनी करके, कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट के आगे है। ओके ओके, ये वहाँ से सोर्स करके मंगाया हुआ है। ये 10 महीने में 70 किलो है, बोले तो एक्स्ट्राऑर्डिनरी चीज़ है, इसकी हाइट एक्स्ट्राऑर्डिनरी है। हाँ इसके सिंग काफ़ी जाड़े फात भाई, मेरा हाथ पूरा कवर नहीं हो रहा है। राइट राइट राइट, हाँ माशाल्लाह। ये भी वही पर्पस के लिए? नहीं फात भाई, ये मतलब पर्पस तो जैसे अपनी ट्रेनिंग के ऊपर रहता है पर्पस। ठीक है, मेंढे चारों अच्छे हैं। हाँ जिस किसी को भी खरीदना है इनको कॉल कीजिए। ओके, यहीं पे पलाई पे रखना है जैसे हुज़ैफा भाई ने रखे? हाँ रख बकरा सकते, तक के रहेगा? रख सकते, नहीं इसको 1-2 महीना रख के फिर मैं उनको आगे दे दूंगा। ओके, क्योंकि मेरे को भी दूसरे जानवर लाना रहता है, शौक पूरा करना रहता है। चलिए, एनीबडी इंटरेस्टेड जस्ट कॉल हिम अप, नंबर गिवन ऑन स्क्रीन। थैंक यू सो मच, थैंक यू।